शुरू करने से पहले बता देता हूं बहुत छोटा टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है और जब हमने लेक्चर पढ़ा था इसका जब हमने कस्टम्स पढ़ा था अपने फुल कोर्स हो या फास्ट फास्टरेक हो तब सर इसका इंट्रोडक्शन तो मैंने ऑलरेडी आपको दिया था क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए आपको इसका सिस्टम पता होना जरूरी था सो so देट आपको कस्टम्स के बाकी प्रोविजन इजीली समझ में आए क्योंकि वेराउसिंग कुछ जगह रेफर भी होता था पूरे बुक के अंदर पूरे कस्टम के टॉपिक के अंदर ओके पर एनी मैं तो ये मानता हूं साहब हम तो पूरे ही पढ़ेंगे सारी बातें वापस पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे ओके okay, तो सर कस्टम्स वेयर हाउसिंग शुरू करते हैं हम अच्छा उससे पहले ब, 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 सर ध्यान दीजिएगा कस्टम्स का चैप्टर ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको वही अपनी वेबसाइट इसका जो चैप्टर है इसका पीडीएफ फाइल अपनी वेबसाइट वाई उसके फ्री पीडीएफ एंड अमेंडमेंट सेक्शन में ये आपको चैप्टर मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो साहब इसको ओके okay, चलिए सर पर चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक बार जिस तरह से आपको पता है हर टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक बार उसका ओवरव्यू और उसका आइडिया हम पूरा लेते हैं सो दैट हमारे दिमाग में पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहे प्रैक्टिकली हमें समझ में आ चीजें क्या हो रही है उसके बाद हम हर सेक्शन को शुरू करेंगे सर आइए सरकार हम अगर किसी भी गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में तो सर अगर उसको वेयर हाउसिंग कराना तो सिस्टम क्या होगा हम देख लेते हैं सर सर अगर आपने किसी भी गुड्स को क्या किया मालिक इम्पोर्ट किया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स कराने के बाद आपने, आपने वेयर हाउसिंग कराया एंड वेयर हाउसिंग के बाद फिर उसको आपने क्या कराया होगा क्लियर कराया होगा क्लियर इधर फॉर होम कंजम्पन और एनीथिंग एल्स ओके okay, चलिए हम स्टेप बाई स्टेप बात शुरू करते हैं अच्छा जरूरी नहीं कि लेक्चर जो लोग देख रहे हैं उन्होंने मेरे से फुल कोर्स या फास्टैग पढ़ाई हो एनी बड़ी कैन वॉच दिस लेक्चर सबको समझ में आएगा पूरी बात मैं करने वाला हूँ एक एक वर्ड में इसमें कवर करने वाला हूँ ओके सर हम बात शुरू करते हैं वेयर हाउसिंग के रिगार्डिंग ओके सबसे पहले बेसिक आइडिया रिगार्डिंग वेयर कैसे सिस्टम होता है सर सबसे पहली बात अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है आउट ऑफ इंडिया से कोई गुड्स आपने इंडिया में इंपोर्ट किया मान लो सिंगापुर से कोई गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो हिंदुस्तान के अंदर तो सर सबसे पहला स्टेप कोई भी गुड्स अगर इंपोर्ट होगा तो सर कहां पे होगा सर आप समझिएगा बात को मान लो सर ये हमारा देश हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुल है इसकी ये तुलसीता हमारा ईस्ट और वेस्ट यो इंडिया इज द बेस्ट सर मेरा देश बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा और बढ़ता ही जाएगा सर नॉट ओनली पीओके पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में आएगा सरकार मेरा पॉइंट आपसे ये है ये इंडिया मान लो सर थोड़ा सा नक्शा ऊपर नीचे हो सकता है तो माफ करेगा सर हाँ सर मैंने कोशिश करी कि नक्शा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं छोटा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में ओके सर मान लो इधर के सिंगापुर है कोई गुड्स अगर इंडिया में आ रहा है तो सर बाय वेसल भी आ सकता है बाय एयरक्राफ्ट भी आ सकता है बाय लैंड भी आ सकता है ऑब्वियसली यहाँ से लैंड से नहीं आएगा नेबरिंग कंट्री से बाय लैंड भी आ सकता है सर ओके बाय रेलवे भी आता है गुड्स सर ओके अब आएगा तो कहाँ आएगा सर कहाँ पर आएगा क्या पूरी बॉर्डर पे कहीं भी आ सकता है क्या जैसा कसाब आया वैसा ऐसा नो भाई तो सबसे पहले सर हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर सेवन के अंदर सीबीआईसी सीबीआईसी अपॉइंट करता है क्या पोर्ट एयरपोर्ट एक्सेट्रा सर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है अपॉइंटमेंट ऑफ पोर्ट्स एयरपोर्ट्स लैंड कस्टम्स स्टेशन एटसेट्रा कौन अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ओके सर पोर्ट वगैरह अपॉइंट हो गए साहब अब मान लो ये हिंदुस्तान में बहुत सारे पोर्ट्स अपॉइंटेड है पर मान लो यहां पे, यहाँ पे, यहाँ पे अभी मान लो बाय बायसल गुड्स आ रहा है तो ये पोर्ट्स अपॉइंटेड है तो सर अब वैसल जो आएगा कहां पे आएगा क्या वैसल यहाँ पे आ सकता है क्या जहां पर कस्टम्स स्टेशन नहीं है क्या वहां पे गुड्स वहां पे वैसल आ जाए और सर वहां पे अनलोडिंग करते ऐसा हो सकता है आंसर इज नो सर हाँ इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा हो तो बात अलग है सार। Otherwise, सार, सर अदरवाइज सर एक पूरा सेक्शन बना हुआ है सर सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन जिसमें बोला है क्या पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस को बोल दिया पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस को बोल दिया कि अराइवल एट द फिक्स्ड प्लेसेस ओनली जो पोर्ट एयरपोर्ट लैंड कस्टम स्टेशन एटसेट्रा अपॉइंट किए सीबीआई ने अंडर सेक्शन नंबर सेवन आप वहीं पे आएंगे कहीं और नहीं आएंगे एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी अच्छा ये सर वो वही पॉइंट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पर सर जब तक आपका लिंकिंग नहीं होगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके उससे तो आपको लगेगा ये सेपरेटली कोई अलग ही चैप्टर नहीं सर ये पूरा चैप्टर आपको आएगा गारंटी के एक सेक्शन आपको अपने आप समझ में आएगा अंदर से आवाज आएगी हमको आ रहा है लर्न करने की जरूरत ही नहीं है सर आप समझो अपना याद होगा सर सरकार अराइवल Arrival at fixed places only. Okay, अब सर देखिए ध्यान से ये वैसल मान लो यहां पर मुंबई मान लो आ गया सर अब आ गया तो क्या करेगा आएगा गुड्स अनलोड करेगा और चला जाएगा ऐसा अरे भाई कोई खेल रहे हो क्या सर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सही है इसलिए सर सबसे पहली बात आती है मान लो सिंगापुर से जब ये वैसल निकला था तब इसके पास वन लेख यूनिट्स थी कितनी मालिक वन लेख यूनिट्स अब सर यहां पर हिंदुस्तान में जब वो आ रहा है तब हिंदुस्तान गवर्नमेंट को कैसे पता पड़ेगा कि सर वो वन लेख यूनिट वहां से लेके निकला था अच्छा क्या कंट्रोलिंग है कि यहां पे मान लो वो नाइनटी थाउजेंड यूनिट इीगली अनलोड कर दे जिसको स्मगलिंग बोला जाता है और रिमेनिंग टेन थाउजेंड ही यहां पर लाके बताया कि मैं तो साहब टेन थाउजेंड ही लेके आया था ये लो साहब गुड्स समझे मेरी बात इसलिए जब सर सिंगापुर से वो वैसल जब निकला होगा तो वहां पर उसने ईजीएम फाइल किया होगा एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल किया होगा वहां के कस्टम ऑफिसर ने उसको वेरीफाई किया होगा परमिशन दी होगी सर परमिशन फॉर डिपार्चर दिया होगा तब जाके वो वैसल से निकला होगा एंड सर यहां पर उसको ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी बिफोर अराइवल एट द कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट पर्सन इन चार्ज ऑफ दस इज रक्ट टू सबमिट द रिपोर्ट विच इज कॉल्ड इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट आईजीएम जिसमें लिखा होगा क्या क्या गुड्स उसके पास है कौन कौन सी गुड्स उसके पास है सर कितनी गुड्स यहाँ पे अनलोड होने वाली कितनी साथ में जाने वाली ट्रांजिट गुड्स कौन सी है इसे सब कुछ लिखा होगा सब तो सर फाइलिंग ऑफ आईजीएम सर आईजीएम फाइल करेगा कौन पर्सन इन चार्ज ऑफ दस अच्छा ये आईजीएम मतलब इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और अगर व्हीकल चाह रहा तो इसी को बोलते हैं इंपोर्ट रिपोर्ट क्लियर साथ में क्या फाइल करता है सर पैसेंजर एंड क्रू जर इन क्रू अराइवल मैनिफेस्ट प्लस पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन क्लियर यह सब सबमिट करेगा कौन बायर्सन इन चार्ज ऑफ द्लियर सबमिट कर दिया अच्छा ध्यान देना बैठा आईजीएम या आईजीएम प्लस पैसेंजर की जो रिपोर्ट है यह सब सबमिट करनी पड़ती है उनको कब तक बिफोर अराइवल ऑफ द वैसे या एयरक्राफ्ट बट इन केस ऑफ वहीकल विद इन ट्वेल्व आवर्स ऑफ दराइवल ऑफ दी वहीकल वो सबमिट कर सकता है इंपॉर्ट रिपोर्ट नहीं तो फिफ्टी थाउजेंड तक का फाइन है पर्सन इंच पर क्लियर ठीक है सर ये नए पॉइंट नहीं है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके वही पॉइंट है ओके अब सर उसने आईजीएम फाइल कर दिया अब वेसल वगैरह आ गया अब क्या होगा साहब पर्सन इंचार्ज नहीं आईजीएम फाइल कर दिया ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली क्लियर वेसल आ गया अब ऑफिसर क्या करेगा वेरीफाई करेगा चेक करेगा कि सर जो उन्होंने आईजी में लिखा है वो सारा गुड्स है या नहीं है कोई इलीगली कोई गुड्स अनलोड तो नहीं हुआ कोई स्मगलिंग का केस तो नहीं है सर क्लियर ये वेरीफाई करेगा ओहो भाई वेरीफाई कर रहे हो आप गड़बड़ कर रहे हो सर वेरिफिकेशन बाय पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर क्लियर प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई करेगा एवरीथिंग फाउंड ओके अच्छा ध्यान देना दो सेक्शन बनाए हुए इसके लिए वेरिफिकेशन के लिए देखो सर वेरिफिकेशन कर रहा है और यहां पर गड़बड़ पाएगी थोड़ी सी ओके अभी नहीं करेगा मेरे को लगता है ओके वेरिफिकेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर ओके प्रॉपर ऑफिसर क्या कर रहा है इसको वेरीफाई कर रहा है ही इज द पावर टू बोर्ड द कन्विंस फॉर वेरिफिकेशन ही इज पावर टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दी पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्विंस और उसको आंसर देने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना पड़ेंगे सर क्लियर ओके वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन हो गया एवरीथिंग फाउंड ओके परफेक्टली ओके अब क्या होगा सर पर्सन इन चार्ज को सर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या करेगा ऑर्डर पास करेगा ऑर्डर फॉर अनलोडिंग के केस में दैट ऑर्डर इज कॉल्ड एंट्री इनवर्ट ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर विल इश्यू एंट्री इनवर्ट ऑर्डर इन केस ऑफ वेसल और सर जो गुड्स आईजी में मेंशन में है उन्हीं के लिए एंट्री इनवर्ट ऑर्डर मिलेगा बाकी किसी के लिए एंट्री इनवर्ट कभी मिल नहीं सकता क्योंकि वो इलीगली गुड्स है सर क्लियर अब सर अनलोडिंग का ऑर्डर हो गया एक तरह से ये ऑर्डर फॉर अनलोडिंग है अब क्या होगा मालिक सर अब अनलोडिंग होगा मालिक क्लियर गुड्स अनलोड होगा कस्टम पोर्ट पर अब अनलोड जो होगा अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर होता है क्लियर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स होता है ऑन अ वर्किंग डे होता है सर ध्यान देन देना बेटा सर इट अनलोडिंग अनलोडिंग इज डन विद इन द कस्टम एरिया ओनली सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर ड्यूरिंग वर्किंग डे ड्यूरिंग वर्किंग टू हेल्डी ऐसा नहीं कि इंपोर्ट खड़ा हुआ पाए सर तीन दिन से वही बैठा है समंदर किनारे पाव लटका के और पत्थर फेंक रहा है समंदर में मेरा वैसल आएगा मेरे गुड्स आएंगे करन अर्जुन आएंगे ऐसा नहीं है मालिक सर सबसे पहले गुड्स विल बी हैंडेड ओवर टू दी कस्टोडियंस अनलोडिंग करेंगे तो डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं बोलता हाँ मेरा ही गुड्स दे दो मेरे को नहीं सर सर सबसे पहले जो इंचार्ज ऑफ द गुड्स था उसको बोलते हैं क्या कस्टोडियंस कस्टोडियंस विल हेल्ड द कस्टडी ऑफ द गुड्स अनलेस अ वैलिड ऑर्डर हैज बीन पास्ड फॉर रिमूवल ऑफ द गुड्स क्लियर सर अब गुड्स कहाँ है बेटा कस्टोडियन के पास है

क्लियर अब उसको अगर गुड्स को क्लियर कराना है फॉर होम कंजम्पन डायरेक्टली उसको क्लियर कराना इन द डोमेस्टिक मार्केट तो वो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन द मैक्सिम पॉसिबल डॉक्यूमेंट सो दट कस्टम ऑफिसर कैन वेरीफाई द असेसमेंट वो सेल्फ असेसमेंट करके लेके आएगा असेसी बिल ऑफ एंट्री में सेल्फ असेसमेंट होता है सर कस्टम ऑफिसर वेरीफाई करेगा असेसमेंट को सर साथ में वो बिल ऑफ लेडिंग भी अटैच करते हैं बिल ऑफ लेडिंग में सर बिल ऑफ लेडिंग से पता पड़ता है कि ऑनरशिप ऑफ दी गुड्स किसकी है सर क्लियर एंड सर ऑल पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स करेगा सो दैट कस्टम ऑफिसर कैन वेरीफाई दी असेसमेंट ओके असेसमेंट वेरीफाई किया गुड्स की आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली एवरीथिंग फाउंड ओके क्लियर सर मान लो अब असेसमेंट का सेक्शन हम पढ़ चुके सेक्शन नंबर नंबर सेक्शन एटीन असेसमेंट ड्यूटी का असेसमेंट हो गया और अगर मान लो लगा मामला गड़बड़ है तो रीअसेसमेंट भी कर सकता है ऑफिसर क्लियर अल्टीमेटी ड्यूटी का अमाउंट निकल गया असेसमेंट हो गया सर अब क्या होगा स्टी पे करेगा सर आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर पास हो जाएगा सर वो ऑर्डर लेके जाएंगे हम कस्टूडियन के पास द रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर होम कंजम्पन की जय पर सर मेरा क्वेश्चन आता है अगर आपको रिमूव करना है फॉर होम कंजन तो कस्टम पे करना पड़ेगा क्लियर अब कस्टम पे करके आपने रिमूव कर दिया फॉर होम कंजम्पन अब मेरा क्वेश्चन आपका ये है आपसे ये है कि मान लो उन गुड्स का अब एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ गया अब उन गुड्स को क्या करना है एक्सपोर्ट करना है तो क्या वो एक्सपोर्ट कर सकता है आंसर इज यस अब सवाल क्या है अब वो एक्सपोर्टर जिसने वो गुड्स इंपोर्ट किए थे वो वापस उन गुड्स को लेके आएगा कस्टम पोर्ट पर एंड फिर वहां से क्या करेगा एक्सपोर्ट करेगा तो सर सबसे पहली बात सबसे पहली बात मैं अगला क्वेश्चन पूछने से पहले आपको वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा जो मैंने आपको पढ़ाया है आखिर ये कस्टम चार्ज क्यों हुआ जी कस्टम चार्ज क्यों हुआ क्यों हुआ टू तो इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ है क्लियर सर मैंने जो तो कस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कि आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ है किस दिन इक्वलाइज करेंगे जिस दिन दिन डोमेस्टिक मार्केट से करेगा उस इक्वलाइज करेंगे सर वापस बोलता हूं मैं कस्टम चार्ज क्यों हुआ इंपोर्ट को महंगा करने के लिए नहीं हुआ है इंपोर्ट को कम करने के लिए नहीं हुआ है इंपोर्ट को बंद करने के लिए नहीं हुआ है सर टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ है सर अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है अब मैं इस कॉन्सेप्ट के बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि कस्टम चार्ज हुआ टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ है तो सर किस दिन इक्वलाइज करेंगे जब डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा डोमेस्टिक मार्केट में कब जाएगा जब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेंगे जब कस्टम क्लियरेंस करेंगे तब जाएगा तब इक्वलाइज करना है डोमेस्टिक मार्केट से सो देट डोमेस्टिक मार्केट को हेम्पर नहीं कर पाए डोमेस्टिक मार्केट को खराब नहीं कर पाए सर अब मेरा पॉइंट आपसे यह है कि अगर आपने उन गुड्स को क्लियर करा दिया फॉर होम कंजम्पशन कस्टम पे कर दिया होगा डेफिनेटली अब उन्हीं गुड्स को आपने क्या कर दिया एक्सपोर्ट कर दिया तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है क्या वो गुड्स अब डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कर रही है क्या क्या डोमेस्टिक मार्केट को हेम्पर कर रही है क्या नहीं क्यों क्योंकि वो गुड्स अब क्या हो रही है एक्सपोर्ट हो रही है एक तरह से डोमेस्टिक मार्केट में कंज्यूम नहीं हो रही है अब सर अगर आपने जो गुड्स को क्लियर कराया था फॉर होम कंजन उन्हीं को अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो सर वो जो कस्टम पे किया था उसका क्या मिलना चाहिए रिफंड दैट रिफंड इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक देखा सर इफेक्ट सॉरी <laughs> मेरा हाथ लग गया केबल थोड़ा सा ढीला हो रहा है ओके दैट रिफंड इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक समझे आप मेरी बात बच्चों तो सर आई रिपीट जिन गुड्स को आपने क्लियर कराया था फॉर होम कंजम्पशन अगर उन्हीं गुड्स को आपने वापस से क्या कर दिया एक्सपोर्ट कर दिया तो जो आपने कस्टम पे किया था उसका क्या मिल जाएगा रिफंड दैट रिफंड इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन नंबर 74, 98% ड्रॉबैक मिलता है अगर आपने यूज नहीं किया गुड्स को एक्सपोर्ट किया इन टू ईयर्स तो और अगर आपने रॉ मेटेरियल्स इंपोर्ट किए और आपने आउटपुट गुड्स मैन्युफैक्चर किया और आउटपुट गुड्स मैन्युफैक्चर करके फिर एक्सपोर्ट किया तो आपको सेक्शन नंबर 75 में ड्रॉबैक मिलता है सर ऑल इंडस्ट्री रेट ब्रांड रेट स्पेशल ब्रांड रेट के हिसाब से ओके अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और आपको लगता है कि मे इन गुड्स को एक्सपोर्ट ही करने वाला है आगे जाके डोमेस्टिक मार्केट में कंज्यूम नहीं होगा साहब ये तो सर आप इसको क्लियर करेंगे तब कस्टम पे करेंगे फिर जब एक्सपोर्ट करेंगे तब उसका रिफंड वापस लेके आएंगे एक तो प्रोसीजर भी लंबा हो जाएगा एक हेडेक भी आ जाएगी रिफंड के लिए हाँ है ना एक वर्किंग कैपिटल भी ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि जब तक आपने सर एक्सपोर्ट नहीं किया आपको ड्रॉबैक जब तक नहीं मिलता तब तक आपका जो कस्टम ड्यूटी का अमाउंट है वो तो लग गया ना सर आपका तो तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी और बोला कोई बात नहीं चिंता नहीं करना अगर आपको इन गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में यूज नहीं करना है डोमेस्टिक मार्केट में नहीं ले जाना है तो एक काम करो वो कस्टोडियन है ना सर ये कस्टूडियंस ये आपके तो अपॉइंटेड ऑफिसर है अपने तो एम्प्लॉई है ध्यान रखेंगे अपनी गुड्स का ऐसा सर अगर फ्रॉम कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन थर्टी डेज के अंदर अंदर गुड्स को रिमूव नहीं किया कोई गुड्स को लेने नहीं आया तो गुड्स आर लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन गए भाई इसलिए गवर्नमेंट बोला भाई कस्टुडियन की कस्टडी से तो रिमूव करवा देना पर सर गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी कस्टम मॉन्डेड वेयर हाउस की एंड गवर्नमेंट ने बोल दिया कोई बात नहीं सर कस्टम सुपरविजन में गुड्स तो को स्टोर करवा करवाया तो हम ये नहीं मानेंगे कि आपने डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स को बेच दिया है जब तक गुड्स कस्टम मॉन्डेड वेयरहाउस में हम ये मानेंगे कस्टम्स वालों के पास ही है अब तक गुड्स क्लियर नहीं हुई है और वापस आप मुझे रिपीट करके बताओ कि कस्टम चार्ज क्यों टू इक्वलाइज द इम्पोर्टेड गुड्स विद डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ है किस दिन इक्लाइज करेंगे जब गुड्स डोमस्टिक मार्केट में जाएगा तब इक्लाइज करेंगे डोमेस्टिक मार्केट में कब जाएगा जब क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पन होगा आप मुझे बताओ अगर आपको गुड्स कस्टेंट से लेकर कहा रखाना है कस्टम मोन वेर हाउस में रखना है तो गुड्स तो अभी तो गुड्स तो अभी कस्टम्स ऑथोरिटी के कंट्रोल में है सर अभी तक गुड्स क्लियर नहीं हुई फॉर होम कंजम्पन्न तो आप मुझे बताओ क्या कस्टम पे करना है क्या आंसर इज नो कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं होगी आपको क्लियर और सर जब आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तब क्या करेगा उसी कस्टम वेयरहाउस से उन गुड्स को क्या कर देना एक्सपोर्ट कर देना तो सर ना तो कस्टम पे करना ना उसका रिफंड लेना और भारत माता की जय क्लियर दिस इज द फैसिलिटी अलाउड बाय द गवर्नमेंट थ्रू कस्टम बॉनिड वेयरहाउस अच्छा ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक्सपोर्ट ही करें होता है आपको कुछ दिन बाद कुछ टाइम बाद आपको वेयरहाउस से निकाल के होम कंजम्पशन के लिए ले आ रहा हूं ले आना क्या दिक्कत है सर तब कस्टम पे कर देना इतने टाइम का वर्किंग डेफर so so हो जाए थोड़ा के लिए पर आपको कस्टम पे करने की जरूरत नहीं पड़े अगर आपने वहीं से क्या कर दिया एक्सपोर्ट कोई कस्टम पे नहीं करना अगर आपने वहीं से क्या कर दिया डोमेस्टिक मार्केट के लिए क्लियर कराया तब कस्टम पे कर देना क्लियर तो उसके लिए हम कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसिंग का सिस्टम पढ़ रहे हैं, मेरे दोस्तों

क्लियर सर एक मिनट स्टेप बाय स्टेप और आगे चलते हैं पर मैं एक, एक दो पॉइंट जो मैंने पढ़ा है वो एक बार पहले लिख देता हूं मैं आगे हूँ नंबर एट कस्टूडेंट के पास गुड्स पड़े अब इंपोर्टर या उसका एजेंट आएगा इंपोर्टर या उसका एजेंट आएगा बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा फॉर वेर हाउसिंग एंड सिंस इस बिल ऑफ एंट्री की वजह से आप बॉन्ड में आएंगे बॉन्ड फाइल करना ही पड़ेगा इसलिए इसको बोलते हैं क्या इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग क्लियर कौन फाइल करेगा इंपोर्टर या उसका एजेंट फाइल करेगा अच्छा इंटू बॉन्ड क्यों बोलते है? क्योंकि आप बॉन्ड में आ रहे हो इसकी वजह से ओके okay, अब सर मैंने अभी अभी आपको बोला कि बॉन्ड कितना अमाउंट का होगा थ्राइज द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ये बॉन्ड है पैसा नहीं पे करना आपको भाई पैसा पे करना होता तो तो हम क्लियर करा देते फॉर होम कंजन पैसा नहीं पे करना जस्ट फॉर सिक्योरिटी गवर्नमेंट को बॉन्ड चाहिए अलॉन्ग द गवर्नमेंट आपसे सिक्योरिटी मांग लेगी बैंक गारंटी वगैरह या श्योरिटी मांग लेगी डिपेंडिंग ऑन सीबीआईसी ओके ओके अब सर मेरा पॉइंट आपसे ये मेरा क्वेश्चन आपसे ये सिंपल सा की इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करना है थ्राइज द अमाउंट ऑफ ड्यूटी का इट मीन ड्यूटी का अमाउंट तो निकालना पड़ेगा ना भाई

अलॉन्ग विध बिलो ऑफ एंट्री फाइल कर रहा है वो इन टू बॉन्ट बिलो एंट्री फॉर वेसिंग बट अलॉन्ग विथ मैक्सिम पॉसिबल डॉक्यूमेंट फॉर मैक्सिम पॉसिबल अलॉन्ग विथ मैक्सिम पॉसिबल डॉक्यूमेंट लगेगा सेल्फ अस करेगा सो दैट मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट फॉर असटेनमेंट ऑफ आइडेंटिटी से पता पड़ेगा कि एच कोड कौन सा गुड्स का क्लियर सो रेट ऑफ ड्यूटी निकलेगी सर एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फाइलिंग ऑफ इंटू बॉन्ड बिलोव एंट्री फॉर वेर हाउसिंग भाई रशिया यूक्रेन

असेसमेंट होगा ड्यूटी का अमाउंट निकलेगा सर ड्यूटी पे नहीं करना पर असेसमेंट तो होगा ना सर क्लियर ड्यूटी का अमाउंट निकल गया अब सर ड्यूटी पे नहीं करना है मेरे मालिक क्या करना है फिर आपको नो नीड टू पे द ड्यूटी बट जितना ड्यूटी का अमाउंट निकला है उसका थ्राइस अमाउंट ऑफ ड्यूटी का वेर हाउसिंग बोन्ड साइन करना है अंडरटेकिंग देनी है आपको पैसा पे, पे नहीं करना है आप साइन करेंगे यह लिख देता हूं जस्ट नॉलेज के लिए आपको याद रहे इसलिए अमाउंट ऑफ कस्टम्यूटी का बोन आप साइन कर रहे हो बेटा सर कस्टम पे नहीं कर रहे हो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को क्लियर अब सर बोन्ड का अमाउंट निकल गया बोन आपने साइन कर दिया सर अब क्या होगा ऑर्डर पास करेगा फॉर रिमूवल ऑफ द गुड फॉर दर्पज ऑफ वेयर हाउसिंग क्लियर ऑर्डर परमिटिंग वेयर हाउसिंग ऑर्डर पास होगा फॉर स ऑफ द गुड्स फॉर दर्पज ऑफ कस्टमेड ओके सर अब ऑर्डर पास हो गया प्रॉपर ऑफिस ने ऑर्डर पास कर दिया जाएस जा, जा के अंदर तो सर ऐसे केस में अब वो ऑर्डर लेके जाएगा कहां पर कस्टुडियन के पास इंपोर्टर कहा जाएंगे भाई कस्टूडियन के पास गुड्स कहा है कस्टुडियन के पास पड़ेगा क्लियर सर नाउ कस्टडियन विल चेक दर प्रॉपरली सारा उसने क्लियरेंस के लिए पास कैक कि नहीं किया सर इफ एवरीथिंग इज फाउंड ओके कस्टुडियन विल अलाउ गुड्स फॉर दर्पज ऑफ वेयर हाउस अब रिमूवल हो रहा है रिमूवल फॉर वेयर हाउसिंग अच्छा वेयर हाउस भी कौन सा अपने घर वाले नहीं भाई कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस है सर अपने घर वाले वेर हाउस होते तो कस्टम पे करो ले आओ हमें क्या दिक्कत है सर ओके सर अब वेयर हाउस में आप ले जाएंगे सर कस्टम बॉन्डेड वेर हाउस होते लाइसेंसड वेर हाउस होते हैं सर वहां आप ले जाएंगे हम बात करने वाले आगे पब्लिक वेयर हाउस प्राइवेट वेयर हाउस और स्पेशल वेयर हाउस ठीक है बात करेंगे आगे

ठीक है ना यार थो होना चाहिए ना यार सर ओके सर पॉइंट मेरा आपसे है सर गुड्स वेयर हाउस में अब क्या करेंगे चले गए अब हम अब वापस आएंगे आएंगे रोज आएंगे ना देखने के लिए गुड्स है कि नहीं अंदर ऐसा नहीं ना भाई देर इज अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट अलाउड फॉर वेयर हाउसिंग हम बात करेंगे आगे सर एक साल की टाइम लिमिट होती है वेयर हाउसिंग के लिए वन ईयर प्लस एक्सटेंशन भी मिल जाता है अगर कमीशन चाहे तो एक्सटेंशन और दे सकता है आपको ओके सर देर इज अ टाइम लिमिट फॉर वेयरहाउसिंग हाउसिंग उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको गुड्स को रिमूव करना पड़ता है अब सर आप जब भी आपको गुड्स को रिमूव करना होगा तब आप आएंगे ध्यान से देखिएगा रिमूवल फ्रॉम वेर हाउस रिमूवल फ्रॉम वेर हाउस फोर एक्सपोर्ट्स सर आपने इन गुड्स को एक्सपोर्ट का ऑर्डर लिया गुड्स को आपको रिमूव करना फॉर वट एक्सपोर्ट आप मुझे बताओ कस्टम चार्ज क्यों हुआ टू इक्वलाइज द इम्पोर्ट गुड्स विद डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ क्या ये गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में जा रही है आंसर इज नो क्या डोमेस्टिक मार्केट में हेम्पर कर रही है आंसर इज नो सर क्या कस्टम रखना चाहिए इन पे आंसर इज नो कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया हाँ अगर उन गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर लगती है जो शेड्यूल टू वाली गुड्स है तो वो एक्सपोर्ट वाली ड्यूटी जरूर लग जाएगी पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग कोई कस्टम्स नहीं लगेगा इन गुड्स पर क्योंकि ये गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में गई ही नहीं आइए बच्चो सेकेंड केस रिमूव फ्रॉम वेरॉस फोर उस सर आपको चेन्नई वेयर हाउस निकाल के मुंबई को yes, आप कर सकते हो. अच्छा, भी? होना आप ले जा सकते हो सेम प्रोसीजर फॉर परमिशन ऑफ रिमूवल फ्रॉम हाउस टू अनादर वेयर हाउस एक सेकेंड एंड ऐसे केस में आपको कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है अच्छा वेयर हाउसिंग बॉन्ड कैंसिल नहीं होगा क्योंकि सर

किसी के कंट्रोल में नहीं है वेयर हाउसिंग क्लियर इसको बिल्कुल प्राइवेटाइज कर दिया गया 2016 से ध्यान देना बेटा इस पर कोई आ आ, 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 मैं आपको क्या कहूंगा सर सर कोई कंफ्यूजन मत रहना कस्टम बॉन्डेड वेयर सर प्राइवेटाइजेशन कर दिया था 2016 में सर एंड उसके रेगुलेशन भी आ गए थे बच्चों मैं बता दूंगा तुम्हें ओके ओके अभी बात कर लेते हम सर तो आखिर कस्टम हाउस वहां ले जा रहे कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है और सर कोई बॉन्ड नया साइन करने की जरूरत नहीं जो पुराना था वही वैलिड रहेगा ओके अब आपको रिमूव करना है रिमूवल फ्रॉम फॉर होम कंजम्पशन अब आएगा मजा एक काम करते हैं इस हम पूरे को नया पॉइंट बना लेते हैं पूरे बड़े को सर पॉइंट नंबर फोर्टीन था और फिफ्टीन से हम यहाँ आते हैं सर सर अब आपको रिमूव करना है गुड्स फॉर वॉट होम कंजम्पशन सबसे पहली बात दिल थाम के का बहुत काम का पॉइंट है सर बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहां अगर समझ में आ गया तो समझ समझना परसेंट वेयर हाउसिंग खत्म आपका नो डाउट पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम आगे पर सर कॉन्सेप्ट यहां क्लियर जिंदगी भर ये याद रहने वाला आपको सर सुनना बच्चों ध्यान से और कोई याद करने की जरूरत नहीं कोई लर्निंग की जरूरत नहीं है कोई मगब करना ही नहीं सर जिंदगी में सरकार पॉइंट ऑफ फिफ्टी नहीं कहता है कि अगर आपको गुड्स को रिमूव करना है फॉर व्हाट होम कंजम्पशन तो ऐसे केस में एक काम करो यहां जितने पॉइंट आते हैं उतने यहां लिखते हैं आपकी ओ भाई। चलो पॉइंट नंबर सिक्सटीन पॉइंट नंबर फिफ्टीन के वेर होम कंजम्पशन के लिए मैंने नया पॉइंट चालू कर दिया है पॉइंट फिफ्टीन यह कहता है सर अगर आपको गुड्स को रिमूव करना फॉर वॉट होम कंजम्पन फ्रॉम द वेयर हाउस तो क्या करेंगे सर वेयर हाउस ऑपरेटर के पास आएंगे जो वेयर हाउस कीपर उसको बोलेंगे मेरे गुड्स दो अपना रेंट लो और मिल तुम गुड्स को क्या वो अलाउ कर देगा कभी नहीं सर वो कस्टम वेयर हाउस है जब तक तो उसको प्रॉपर ऑफिसर से आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर नहीं मिलता तब तक वो अलाउ नहीं करेगा गुड्स को फॉर होम कंजम्पन क्लियर इसलिए पहले कस्टम वालों से परमिशन ले करनी पड़ेगी मैं ले गुड्स को और वो परमिशन कब देंगे जब भाई आपने कस्टम पे कर दिया उसके बाद क्योंकि कस्टम तब तक पे हुआ ही नहीं ना सर अभी तो आपने केवल साइन किया था अब गुड्स को रिमूव करो सरकार अब आप आएंगे एंड सर अब बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे और सिंस इस बिल ऑफ एंट्री की वजह से आप बॉन्ड से बाहर आ जाएंगे क्योंकि कस्टम वगैरह पे हो जाएगा गुड्स ले जाएंगे बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा बॉन्ड अटी बिल्टी क्या होने वाला बॉन्ड आपका कैंसिल इसलिए इसको बोलते हैं एक्स बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन फाइलिंग ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन कौन फाइल करेगा सर इंपोर्टर या उसका एजेंट फाइल करेगा सर उसको गुड्स रिमूव करनी फॉर वॉट होम कंजम्पशन दिल थाम के अभी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है क्या आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ टू इक्वलाइज़ द इंपोर्टेड गुड्स विद डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ किस दिन इक्वलाइज करेंगे सर जब ये डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट करेगा डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कब करेगा सर अभी कर रहा है या जिस दिन आपने गुड्स का वेयर हाउसिंग करवाया था तब कर रहा है कॉम्पीट सर मुझे बताइए कस्टम चार्ज क्यों हुआ टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ है डोमेस्टिक मार्केट को हेम्पर ना करे डोमेस्टिक मार्केट या इसका ट्रीटमेंट हो इसकी प्राइसेस कम नहीं हो इंपोर्टेड गुड सस्ता अगर होगा डोमेस्टिक मार्केट सर खराब हो जाएगा इस कारण से टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ एंड सर

जा रहा ना भाई आज जा रहा तो आज ही डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पेयर करेगा तो हमें डोमेस्टिक मार्केट से आज इक्वलाइज करना सर इसको और अगर आज इक्वलाइज करना है तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ध्यान ध्यान आप से सुनिएगा मान लो जब आपने ओरिजिनली गुड्स को इंपोर्ट किया था ओरिजिनली जब आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी थी तब उन गुड्स पे रेट ऑफ कस्टम था मान लो टेन परसेंट मान लो रेट ऑफ कस्टमिटी वॉज टेन परसेंट और अभी जब आप एक्सपॉन्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजन फाइल करना है तब मान लो उन गुड्स पर रेट ऑफ ड्यूटी हो गया कितना फाइव परसेंट या फिफ्टीन परसेंट ठीक है सर बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है क्लियर मेरा पॉइंट आपसे ये कि रेट ऑफ ड्यूटी चेंज हो गया पहली बात तो यह सर गवर्नमेंट ने अगर रेट ऑफ ड्यूटी चेंज किया होगा अगर मान लो पहले टेन परसेंट था उससे फाइव परसेंट कर दिया तो क्यों किया क्यों किया होगा आप सोचिए सर कस्टम चार्ज क्यूर टू इक्वलाइज इंपोर्टेड गुड्स विद डोमेटिक गुड्स अरे हा अगर गवर्मेंट ने रेट ऑफ ड्यूटी कम करोमेस्टिक मार्केट में महंगाई कम हो गई है और इंपोर्टेड गुड अभी लगता है कि पहले टेन परसेंट कस्टम चार्ज करने के बाद डोमेस्टिक प्राइस के बराबर आता था इंपोर्टेड गुड्स पर अभी पांच परसेंट कस्टम लगाने से भी इंपोर्टेड गुड्स के इंपोर्टेड गुड्स डोमेस्टिक मार्केट के बराबर आ जाएगा तो उन्होंने रेट क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया हाँ उनको लगा अगर कि डोमेस्टिक मार्केट में महंगाई बढ़ गई क्या लगा उनको बेटा उनको अगर ऐसा लगा कि डोमेस्टिक मार्केट में महंगाई बढ़ गई तो सर डोमेस्टिक मार्केट से इंपोर्ट गुड्स को इक्वलाइज करने के लिए उन्होंने रेट ऑफ कस्टम को क्या कर दिया बढ़ा दिया सर अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जो भी सिचुएशन रही रेट बढ़ाई या कम करी जो भी करा जब ओरिजिनली आपने इंपोर्ट किया था गुड्स को ओरिजिनली जब आपने गुड्स को इंपोर्ट किया था फोर रुपीज जो भी अमाउंट था सर टेन परसेंट टाइम कस्टम था सर अभी जब आप क्लियर करा रहे हो फॉर होम कंज्युम्शन जब वेर हाउस में रखा है कितना फिफ्टीन परसेंट या फाइव परसेंट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में अभी जा रहा है गुड्स डोमेस्टिक मार्केट से अभी कॉम्पीट करेगा तो गुड्स को आज ही इक्वलाइज करना ना सर उस दिन इक्वलाइज करके क्या कर लेते आप इसलिए सर जो नई रिवाइज रेट ऑफ कस्टम है अगर रेट चेंज हुआ तो उस रेट से असेसमेंट होगा इसीलिए सरकार यहां पे मैं दिल थाम के देखना सर क्या लिखता हूं रीअसेसमेंट होगा क्या होगा रीअसेसमेंट होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ हर चीज के पीछे है सर लॉजिक से समझिए आप चीजों को याद नहीं करना पड़ेगा सर रीअमेंट करना पड़ेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी और सर नए रेट से जो भी कस्टम बनेगा उतना आपको पे करना पड़ेगा अच्छा ऐसा नहीं कि एवर इज हायर सर अगर आपका टारगेट होता ना सर कस्टम चार्ज क्यों हुआ इंपोर्ट को महंगा करने के लिए इंपोर्ट को कम करने के लिए इंपोर्ट को डीमोटिवेट करने के लिए वही से बेसिक कॉन्सेप्ट आपके इस तरह के अगर होते तो आप तो एवर इज हायर जाते सर। ये भी जाते कॉन्सेप्ट कभी आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते रेट अगर कम हुआ तो कम लेंगे सर मैं तो कह रहा हूँ कस्टम हो गया तो एक्सम्स मिलेगा यहाँ पे समझे क्लियर ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट करो तो मारो साले को मारो ऐसा नहीं है रे देश की इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती सर कैसे चलती है वो तो मुझे भी नहीं आता पर हाँ। सर कॉन्सेप्ट है आपको मेरा ये क्लियर टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज जो है मेरा क्वेश्चन आपसे कि रीअसेसमेंट होगा बट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी अब एक पॉइंट और है मेरा कि सर मान लो आपने गुड्स जो इंपोर्ट करी थी वो, वो वन करोड़ में इंपोर्ट करी थी करोड़ में आपने गुड्स इंपोर्ट करी गुड्स को आपने रखवा दिया कहा कस्टम बॉन्डेड में अब सर गुड्स को मैंने मान लो इंपोर्ट किया था और सर गुड्स को मैंने वेयर हाउस में रखवा दिया अब सर मैंने उन गुड्स को आपको बेच दिया वेन गुड्स वर इन कस्टम बॉन्डेड इट मैंने सर टाइटल डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया आपने उन गुड्स को खरीद लिया मान लो 1.5 करोड़ में अब सर ओनर ऑफ द गुड्स आप है Obviously, जब कस्टम ियसलीस्टम ऑनर से आप गुड्स को, को क्लियर कराना होगा तो आप आएंगे मैं नहीं बात कर रहा हूं कि. कस्टम्स की कस्टम्स कितने में चार्ज होगा? वन या वन सर, मेरा है। उससे पहले आंसर देने से पहले आप सोचिए कि, कि कस्टम्स आखिर चार्ज किस पे होता है कस्टम्स कौन से ट्रांजेक्शन पे चार्ज होता है सर कस्टम्स इज चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अभी हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए कस्टम इज चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स गुड्स इंपोर्ट कितने में हुआ था गुड्स इंपोर्ट हुआ था वन करोड़ में इंपोर्ट के ट्रांजेक्शन पे टैक्स लग रहा है इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हो कस्टम हो एक्साइज था सर्विस टैक्स था या वेट था दीज आर टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन ऑन विच ट्रांजेक्शन यू आर चार्जिंग द कस्टम्स ऑन द द्रांजेक्शन ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर आप मुझे बताओ इंपोर्ट ऑफ गुड्स कितने में हुआ? One CR में हुआ हुआ उस पे कस्टम लग रहा है है हाँ, ठीक आपसे कस्टम उस टाइम पे नहीं लिया जब आपने इंपोर्ट किया था क्योंकि आपने गुड्स को वेयर हाउस में रखवाया था पर सर जब आप रिमूव करेंगे फॉर होम कंजन तो सर टैक्स तो लेगा गवर्नमेंट पर कौन से ट्रांजेक्शन लेगा भाई इंपोर्ट के ट्रांजेक्शन पे है ना सर कस्टम ड्यूटी का पेमेंट डेफर हुआ है पर जिस ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगना था वो तो उसी ट्रांजेक्शन पे लगेगा ना मालिक तो सर इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन तो वन करोड़ में था इसलिए वन करोड़ पे कस्टम लगेगा इसलिए जब आप सर ध्यान देना हर पॉइंट बहुत अच्छा है सर बस लॉजिक आपके क्लियर होना चाहिए इसलिए जब आप गुड्स को क्लियर कराएंगे फॉर व्हाट होम कंजम्पशन यू विल फाइल एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन तब रीएसेसमेंट होगा नो डाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी रीएसेसमेंट होगा बट नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू जो आपने वैल्यू ओरिजिनली बिल ऑफ एंट्री फाइल करी थी उस टाइम पे जो वैल्यू था उसी वैल्यू पे असेसमेंट होगा कस्टम ड्यूटी के रेस्पेक्ट में हाँ सर हमने जब कस्टम पढ़ा था तो बात करी थी कि 3, 7, 3, 9, जो आई जीएसटी होता है उसके लिए वैल्यूएशन पर्पज उसके लिए फॉर दी पर्पज ऑफ वैल्यूएशन सेक्शन नंबर थ्री और सेक्शन नंबर थ्री ए दे रखा था हाँ वहां पर बोला था कि अगर आपने गुड्स को कस्टम वेयरहाउस में बेचा है तो सर जिस प्राइस में आपने बेचा है वो प्राइस या फिर वैल्यू एज पर कस्टम्स एक्ट प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम एड करने के बाद जो वैल्यू आती है हायर उस पर लगेगा थ्री सेवन और उसी पे लगता है थ्री नाइन आई जी एस टी एंड जीएसटी कंपनसेशन से बट दैट वॉज ओनली फॉर दी दर्पज ऑफ थ्री सेवन एंड थ्री नाइन बट फॉर दी दर्पज ऑफ कस्टम्स ड्यूटी सर एक करोड़ ही वैल्यू होगा रीवैल्यूएशन नहीं होता है क्लियर ओके सरकार आइए अगले इंपॉर्टेंट बहुत ही शानदार था, था बहुत ही सुंदर सर। होम कंजन हो गया रीस हो गया ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफ ड्यूटी नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यू अब क्या होगा मालिक सर यही लिख देता हूं आ जाएंगे पूर्णिया पे सर अब क्या होगा सर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी प्लस फाइन प्लस पेनल्टी इफ एनी अगर है तो बेटा नहीं तो केवल कस्टम डी पे करो ले जाओ सर पे हो गया मालिक सर फिर आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर पास हो जाएगा ले जाओ गुड्स को क्लियर और अगर सारी आपकी गुड्स रिमूव हो गई है सर आपका जो बॉन्ड था वो काम का नहीं तो बॉन्ड क्या हो जाएगा कैंसिल उट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर पास हो गया वो ऑर्डर आप ले जाएंगे कहां पर सर वेर हाउस कीपर के पास ही रिमूवल ऑफ गुड्स अच्छा उसका जो वेयर हाउसिंग रेंट होगा सिंस ये प्राइवेटाइज हो गया अब गवर्नमेंट को मतलब नहीं कि वेयर हाउसिंग रेंट पे करे ना करे वो वेर हाउस ऑपरेटर जो होगा वो उसकी जिम्मेदारी वो लेता रहेगा सर वो आपका वेर हाउसिंग रेट लेगा और फिर गुड्स को क्या कर देगा अलाउ कर देगा ले, कर कर ले जाओ भैया क्लियर गुड्स को दिया तो जो कस्टम पे उसका क्या मिल जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक पर अगर एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं है तो कस्टम लग गया भाई क्लियर डन इसी के साथ ये सर वेर हाउसिंग का पूरा सिस्टम आई होप आपको समझ में आ गया क्लियर दिस इज द एंटायर पिक्चर ऑफ वॉट वेयर हाउसिंग ओके नो डाउट हम पूरा चैप्टर एक एक पॉइंट हम वापस से पढ़ेंगे हम वापस से देखेंगे पर सर अब आपको टाइम नहीं लगेगा आगे पढ़ने में सर ध्यान दीजिएगा हमेशा कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा वक्त दीजिए इतने अच्छे से समझिए कि चीजों को याद नहीं करना पड़े पता अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाई करिए तो सर चैप्टर के रिविजन में टाइम नहीं लगता है चैप्टर को पढ़ने में भी टाइम नहीं लगता है और फिर चीजों को लर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती मगब तो बिल्कुल भी मतलब ही नहीं सर कोई भी कॉन्सेप्ट है सर क्लियर आइए सर अब हम आगे बढ़ते हैं सर अच्छा उससे पहले अगर आपको ये जो मैंने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट लेना हो क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बड़ा ही काम का पॉइंट है इसमें सारा लगभग वेयर हाउसिंग के प्रोविजन आ गए जस्ट हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड प्लीज सर बहुत अलग तो सोच रहे हो सर अपनी जिंदगी आप साइड में अटोप ले तो <laughs> अरे क्रॉप कर लेना भाई हटू हटूंगा आपकी जिंदगी साइड में हटू क्या बोलो चलो नहीं हटूंगा ठीक है ना सर ओके सर प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड फिर हम चैप्टर शुरू करते हैं ओके okay, अब इसको कर लीजिए ओके okay, दोस्तों आया मजा कौन कहता है कस्टम्स केवल प्रोसेसर पार्ट है नहीं है सर हर चीज इंपॉर्टेंट है हर चीज अच्छी हर चीज लॉजिकल है ओके okay, डन भारत माता की जय अच्छा ये प्लीज अगर आपको मैप कॉपी करना है कर लीजिए पर किसी को दिखाना मत सर सरकार इज्जत की बात है सर हाँ पर देखो मैंने कुछ भी बली नक्शा कैसा भी बनाया मैंने मैप कैसा भी बनाया पर छोटा नहीं बनाया सर देश बढ़ गया हमारा छोटा कभी नहीं होना चाहिए सर आइए सर वेयर हाउसिंग सर मैंने इसको चैप्टर नंबर ट्वेंटी नाइन डाला क्योंकि कस्टम वैल्यूएशन के बाद में इसको अगर पढ़ेंगे तो वो सिक्कवेंस अच्छी बैठती है सर इसलिए क्लियर एंड उसके बाद ड्रॉबैक और उसके बाद आप आगे के चैप्टर पढ़िएगा अच्छा चलिए सरकार वेयर हाउसिंग सर पहले वेरहाउसिंग स्टेशन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था अभी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इस तरह का क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कर दिया इस फील्ड में क्लियर ये वेरहाउसिंग स्टेशन कुछ नहीं डिलीट कर दिया सर फाइनेंस एक्टेंड सिक्सटीन से अच्छा वेर हाउस मींसिक वेयर अंडर सेक्शन नंबर सेवन हम पढ़ेंगे अभी प्राइवेट वेर हाउस लाइसेंस अंडर सेक्शन नंबर एट और स्पेशल वेयर हाउस लाइसेंस अंडर सेक्शन नंबर एट ए बात करते हैं दो मिनट की लिए वेयर हाउस गुड्स मींस द गुड्स विच आर डिपोजिटेड इन अ वेर हाउस जो वेरहाउस में उनको बोलते हैं क्या वेरहाउस्ड गुड्स ओके कस्टम बॉन्डेड एट एनी प्लेस इन इंडिया इसलिए Customs Station का okay, चलिए सर अब हाउसेस कितने तरह के होते है? तीन तरह के वेयर हाउस होते हैं? पब्लिक हाउस प्राइवेट वेयर हाउस एंड स्पेशल वेयर हाउस सेक्शन 57, 58, 58 ए अच्छा सेक्शन नंबर याद होता तो ठीक है नहीं तो कोई लोड वाली बात नहीं है सर ओके okay. पहली बात तो ये मैं आपसे बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं पब्लिक वेयर हाउस प्राइवेट वेयर हाउस वेयर हाउस कोई भी जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो कमिश्नर से लाइसेंस ले सकता है आफ्टर फॉलोइंग सर्टेन प्रोसीजर एंड कंडीशन वो लाइसेंस ले सकता है पब्लिक वेयर हाउस का भी प्राइवेट वेयर हाउस का भी और स्पेशल वेयर हाउस का भी क्लियर 2016 से पहले हुआ करता था कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज लोकल बॉडीज सेंट्रल वेयर हाउसिंग स्टेशन और म्यूसिपल कॉर्पोरेशन सर ये लोग ही पब्लिक वेयर हाउस ऑपरेट करते थे सर बच्चों ध्यान से दो हजार दस से पढ़ा रहा हूँ मैं भी सरकार सुनना रे होशियारी जब आप सी ए फील्ड में शायद एंटर भी नहीं किए थे आपने तब से ये ऑलरेडी अमेंड हो चुका था टू थाउजेंड सिक्सटीन में ही अमेंड हो गया था पब्लिक वेयर हाउसेज पहले ये गवर्नमेंट अथॉरिटीजीजी या गवर्नमेंट बॉडी या लोकल बॉडीज ही ऑपरेट करती थी अब हट गया सर प्राइवेटाइजेशन कर दिया मोदी जी ने आके सर सुनना बात को ध्यान ध्यान से एनी पर्सन अच्छा इसके लिए भी पता है रेगुलेशन से आप देखना गूगल डाल पब्लिक वेयरहाउस अंडर कस्टम्स उसके सर रेगुलेशन बने हुए हैं प्राइवेट वेयर हाउस के रेगुलेशन बने हुए कस्टम्स टू थाउजेंड में आए हुए स्पेशल वेयर हाउस बने हुए उसके रेगुलेशन में तीन में लिखा हुआ है कि लाइसेंसिंग ऑफ दाउस उसमें लिखा है अ सिटीजन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी ऑथोरिटी का नाम नहीं है ओके okay, सरकार द अब पहले पढ़ते हैं पब्लिक वेयर हाउस के बारे में सेक्शन अच्छा, में इक्वल पावर दिया गया क्लियर इसलिए पूरे कस्टम्स एक्ट में जहां भी कमिश्नर लिखा वहां प्रिंसिपल कमिश्नर भी रेफर चलिए okay, चलिए पढ़ते हैं प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स में सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन पब्लिक वेयर हाउस वेर इन ड्यूटेबल गुड्स में बी डिपोजिटेड क्लियर जिन पर कस्टमडी लगता है उन को। पर कस्टमरी लगता है पर कस्टम पे नहीं किया घर अच्छा, तो कि ले जाओ अपने घर मतलब अपने अपनी फैक्ट्री ले जाओ सर ये तो कस्टमर को पे नहीं करना पड़ेगा आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं हो इसलिए तो हमने विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम वेर हाउसिंग अलाउ करी सर ओके सरकार यहाँ पे क्या लिखा है एनी इम्पोर्टर कैन स्टोर हिस् गुड्स

इसमें स्टोर हो सकते हैं बच्चों ध्यान देना बेटा यूट्यूब के किसी दूसरे वीडियो के चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाना सर क्लियर सर जो मैं बता रहा हूं वो एकदम परफेक्ट है सेक्शन में लिखा हुआ है 2016 में हुए सर सारे है। सर तो सर सेक्शन ये ओके तो तो ध्यान दीजिएगा केवल लाइसेंसी ही अपने गुड्स इस प्राइवेटेड में स्टोर कर सकता है मतलब मान लो सर नॉर्मली क्या होता है बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर होते हैं ना बेटा हंड्रेड परसेंट वगैरह वो क्या करते हैं अपनी फैक्ट्री का ही

उस okay, डर कि इंपोर्ट किए और इनको अगर हाउस में रखना है तो स्पेशल वेयर हाउस में रखना पड़ेगा और खास बात यह स्पेशल वेयर हाउस होता है कस्टम्स का उसके फिजिकल कंट्रोल में होता है मतलब सारा लगा के रखते हैं सर ये लॉक द फिजिकल कंट्रोल ओवर दी स्पेशल वेयर हाउस उसकी परमिशन के बिना कोई भी गुड्स अंदर नहीं जाएगा कोई भी गुड्स बाहर नहीं निकलेगा हाँ अगर मैं पब्लिक वेयर हाउस और प्राइवेट वेयर हाउस की बात करूं नो डाउट वो कस्टम वेयर हाउस है पर दीज आर अंडर द रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल एंड नॉट अंडर द कस्टम्स लॉक पर अगर मैं स्पेशल वेयर हाउस की बात करूं तो दीज रिमेन अंडर द फिजिकल कंट्रोल ऑफ द कस्टम्स थ्रू कस्टम्स लॉक क्लियर है पढ़ो अगेन द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स

ओ यूक्रेन आ जाओ सर ए जिंदगी कुछ दर्द है सर ऐसा जिंदगी आसान तो होती नहीं सर ठीक है पर आप हमें डिस्टर्ब करो हम होंगे नहीं सर चलिए सर सर सरकार एग्जाम्पल्स फर्स्ट जो सेक्शन फिफ्टी एट ए के लिए नोटिफाइड गुड्स है गोल्ड सिल्वर एंड अदर प्रेशियस मेटल्स देखो बेटा ये महंगी गुड्स है इनको फिजिकल कंट्रोल का जरूरत है सर रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल में गड़बड़ होने के चांस हो सकते सर इसीलिए सेकंड गुड्स फॉर सप्लाई टू ड्यूटी फ्री शॉप्स विदाउट ड्यूटी जाएगा सर इनको सप्लाई इज स्टोर टू गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट आप एज स्टोर सप्लाई सप्लाई करते हो उस कस्टम होता है सर टू प्रिवलेज पर्सन सिंस इन केसेस में कस्टम्स नहीं लगता है इसलिए इनको फिजिकल कंट्रोल की जरूरत होती है सर सो दैट पब्लिक या प्राइवेट में अगर इनको रखा तो वहां कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांस होंगे तो यहां पर फिजिकल कंट्रोल के अंदर रखा गया इनको ओके okay? चलिए सर द लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिन्यूड एनुअली हर साल इसको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है फर्दर इट इज नॉट ट्रांसफरेबल जिसको लाइसेंस दिया वही ऑपरेट करेगा एंड वैलिड टिल इट्स इट्सेशन और सरेंडर लाइसेंस वुड बी ऑन कैंसल रिक्वेस्ट ऑफ द लाइसेंसी रिक्वेस्ट करता साहब अपना धंधा बंद करना है, return, return request दो, है उसका और कैंसिल हो जाएगा आइए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं सेक्शन एट बी कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस सर अगर आपने कोई प्रोविजन कॉन्ट्राविन किए कोई रूल्स रेगुलेशन तोड़े कोई सर गड़बड़ कर रहे हो आप क्योंकि हमने रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल आपके लिए रखा या आपका अगर स्पेशल भी है लाइसेंस ही कोई गड़बड़ कर रहा है टैक्स चोरी होने के चांसेस तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल द लाइसेंस ऑफ द दौस ऑल्सो पर बिफोर कैंसिलेशन आपको पता है सर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू द लाइसेंसी पर हाँ अब उसका जवाब आएगा फिर हम वापस डिपार्टमेंट वापस उस पर एक्शन लेगा टाइम लगेगा ना यार

क्लियर उस लाइसेंसी को वेयरहाउस क्या करना पड़ेगा खाली करना पड़ेगा सर या तो गुड्स को शिफ्ट करवाना पड़ेगा दूसरे वेयरहाउस में या फिर इन गुड्स को एक्सपोर्ट कर दो या इन गुड्स को क्लियर कराओ फॉर होम कंजम्पशन ऑन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी क्लियर कुल मिलाकर खाली करो दिन के अंदर सर क्लियर और हाँ जब तक तो ये गुड्स रिमूव नहीं होती विद इन सेवन डेज नॉर्मल जो वेयरहाउसिंग के प्रोसेसर होते हैं वो तो अप्लाई हो गई होगा नॉर्मल प्रोविजन यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे क्लियर डन कोई खास बात नहीं आइए सरकार वेयरहाउसिंग बोन सेक्शन नंबर फिफ्टी नाइन सर हम ऑलरेडी बात

इंटरेस्ट पे करेंगे जब आपको डिमांड आएगी जब रिमूव करेंगे के लिए कोई गड़बड़ करा तो प्लस अगर कोई गड़बड़ किया तो आपने पेनल्टी और फाइन भी पे करना पड़ेगा इसके लिए आप बाइंडिंग रहते हैं सर अच्छा थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी का लॉजिक क्या है कि अगर आप रिमूव करेंगे तो ड्यूटी का अमाउंट तो पे करना ही पड़ता है प्लस अगर आपने कुछ फ्रॉड किया होता तो हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स इज द पेनल्टी का अमाउंट उसके अलावा सर आपको फाइन भी पे करना पड़ता है एडिशनल इसलिए थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी का आपको बॉन्ड का अमाउंट रखा गया है सर

मेरी चॉइस है या तो हर बार जब इंपोर्ट करता हूं हर बार जब गुड्स को वेयरहाउस ले जाता हूं हर बार नया बॉन्ड साइन करूं या फिर मेरे को चॉइस थी मैं चाहूं तो एक जनरल बॉन्ड भी साइन कर सकता हूं जो एक एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ड्यूटी के थ्राइस द अमाउंट ड्यूटी का बॉन्ड होगा सर अच्छा वो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ड्यूटी कितना होगा वो एसडीसी अप्रूव करेगा सर क्लियर अच्छा, अच्छा उस केस में क्या होता है एक रनिंग बॉन्ड साइन होता है सर रनिंग बॉन्ड रनिंग अकाउंट रखा जाता है सर करंट अकाउंट होता है है सर पैसा आ रहा, है, जा, रहा, आ रहा है, जा रहा है आ रहा रहा है है जा जैसे आपका सीसी लिमिट होता है बैंक के अंदर पचास लाख का सीसी लिमिट है देखिए रनिंग अकाउंट इज द इम्पोर्टेड गुड्स आर वेउड एंड क्रेडिटेड वेन वेर आउट गुड्स आर क्लियर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी या फिर एक्सपोर्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं सर रनिंग तो अकाउंट होता है सो so दैट जितना अमाउंट का आपने जनरल बॉन्ड साइन किया उससे एक्सीड नहीं करे गुड्स जो आपने रखी है उस पर ड्यूटी का अमाउंट ओके चलिए नोट पढ़िए द बॉन्ड अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय एसीडीसी रिगार्ड टू पास्ट इंपोर्ट विच आर वेराउस्ड एंड ड्यूटी इन्वॉल्व इन सच कंसाइनमेंट्स एंड एंटिसिपेटेड इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू इन्वॉल्व कितना सर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इन्वॉल्व है उसका अमाउंट ड्यूटी का बॉन्ड साइन करवा देंगे और एक रनिंग अकाउंट चलता रहता है सर कि मैक्सिमम इतना ही ड्यूटी का गुड्स इसमें रह सकता है सर ओके okay? ठीक है सर अच्छा बॉन्ड तो आपने साइन किया साथ में आपको सर सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी जो भी सीबीआई प्रिस्क्राइब करेगा वो दैट मे बी बैंक गारंटी और एनी अदर गारंटी एनी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस सेक्शन बाय एन इंपोर्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स शेल कंटिन्यू टू बी इन्फोर्स इवन इफ गुड्स आर ट्रांसफर टू अनदर वेर हाउस सर आपने किसी और वेयरहाउस में ट्रांसफर कर दिया तो भी बॉन्ड तो बॉन्ड रहेगा ना सर बॉन्ड तो कस्टमर के साथ है वाले के साथ थोड़े सर आपका ठीक है सर ये बात है मैं ऑलरेडी चुके थे <coughs> वेर दल ऑफ द गुड्स और एनी पार्ट दर ट्रांसफर टू अनदर पर्सन द ट्रांसफर एग्जीक्यूट बॉन्ड एंड फर्निश द सिक्योरिटी मैंने गुड्स आपको बेच दिए तो आपको नया बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जब तक आपका बोन साइन नहीं होता तब तक मेरा बॉन्ड कंटिन्यू रहेगा मेरा बॉन्ड सर कैंसिल नहीं होगा सर क्लियर ठीक सर आइए सेक्शन सिक्सटी परमिशन फॉर रिमूवल फॉर डिपोजिट इन दी वेर सरकार सेक्शन नंबर सिक्सटी ये कहता है कि आपने वेयर हाउसिंग बोन्ड साइन कर दिया एवरीथिंग इज ओके सर सिक्योरिटी फर्निश कर दिया आपने the, अब क्या होगा प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा कि बॉन्ड प्रॉपरली साइन किया कस्टम्स ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू भी पास कर सकते हैं सर ये तो आपको पता है ओके एंड सर ये ऑर्डर okay. लेके जाएगा कहां पर कस्टूडेंट के पास इंपोर्टर एंड कस्टूडेंट विल अलाउ द रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर वेयर हाउसिंग अच्छा देना डेट ऑफ डेट ऑफ परमिशन ऑफ ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट आगे काम आएगा सर क्लियर सर अब गुड्स आपके कहा जाएंगे वेयर हाउस में जाएंगे वेयर हाउस में किस मैनर में गुड्स रखे जाएंगे उसके लिए वेयर हाउस के रेगुलेशन बनाए हुए रेगुलेशन आपके सिलेबस में नहीं आते चलिए सर अब गुड्स पहुंच गया कहां पर वेयर हाउस में वेयर हाउस ऑपर जो होगा वो पहले चेक करेगा कि परमिशन मिली थी कि नहीं मिली थी अगर परमिशन मिली होगी तो ही वो अलाउ करेगा वेयर हाउसिंग के लिए क्लियर अब वेर हाउसिंग के लिए अलाउ किया एक एक्नोलॉजमेंट आपको देगा कि इतनी गुड्स हमको रिसीव हुई है सर उसका एक कॉपी ना वो तीन कॉपी में इशू करता है वेर हाउस ऑपरेटर तीन कॉपी में आपको एक्नोलॉज इशू नहीं है में लिखे तीन कोपी में आपको एक कॉपी वो उस कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस का जुडिशिकल जो कस्टम ऑफिसर होगा वहां भेजेगा और एक कॉपी उस प्रॉपर ऑफिसर के पास भेजेगा जिसने आपको परमिशन दी थी फॉर वोट रिमूवल फॉर वेयर हाउसिंग आए ना सो दैट उसको सेटिस्फेक्शन हो कि गुड्स पहुंच गया है क्लियर चलिए सर अब साहब

इंटेंडेड फॉर यूज़ नी हंड्रेड परसेंट ईयू एक्सपोर्ट यूनिट, ओरियंटेड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट और एनी वेयर हाउस वेयर इन मैन्युफेक्चर और अदर ऑपरेशन है लास्ट पॉइंट क्या, 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 क्या बोला सर <laughs> सर आगे हम पढ़ने वाला सेक्शन नंबर सिक्सटी फाइव जो मैंने ओवरव्यू नहीं पढ़ाया था सर वेयर हाउस के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग परमिशन मिल जाती है पता है नॉर्मली क्या होता है अगर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ मैन्युफैक्चरर और मेरा मेजोरिटी ऑफ द गुड्स क्या होता है एक्सपोर्ट होता है या फिर मैं हूं सर मैंने क्या किया अपनी ही फैक्ट्री का लाइसेंस ले लिया एज अ प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस अब क्या होगा अब मेरी फैक्ट्री को मेरे को अगर एज अ प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस का लाइसेंस मिल गया तो मैं क्या करूंगा रॉ मटेरियल मोटेरियल इंपोर्ट करूंगा इंपोर्ट करके अपनी फैक्ट्री लेके आऊंगा जो कस्टम और वेयरहाउस की डेफिनेशन में आता है सर लाइसेंस दिया हुआ मेरे को मैंने कोई कस्टम पे नहीं किया सर मेरे को मैन्युफैक्चरिंग का परमिशन मिला हुआ कमिश्नर से मैंने वहां पे मैन्युफैक्चरिंग किया मैंने सर फॉर एग्जांपल रबर इंपोर्ट किया उससे टायर बना दिया सर टायर कभी देखा आपने बेटा अरे ट्रक का टायर बस का टायर कार का टायर देखा कभी आपने नहीं ओके okay. एक काम करिएगा घर से बाहर निकलेगा क्लियर हाईवे आएगा रोड वगैरह आती है ना रनिंग रोड होती है उस पर बीच में लेटना एकदम सो जाना इतने टायर दिखेंगे सर थोड़ी देर बाद क्या थोड़ी देर बाद तो आपको बस कुछ दिखेगा नहीं सर क्लियर <laughs> अब मेरा पॉइंट आपसे ये टायर अब मैंने क्या किया है साहब जस्ट मजा कर चले मजा रहा चले टायर दूर से देख लेना पॉइंट मेरा आपसे ये है अच्छा बचपन में खेला नहीं खिला अपना टायर टायर सर हम भाग रहे पीछे और यू नो अरे बहुत मजा आता था सर जिंदगी में पर अब कहा वक्त व्हाट्सअप मोबाइल फेसबुक इंस्टाग्राम इनसे ऊपर नहीं आ पा रहे सर जिंदगी सर फिजिकल मोड में जो थी वो ऑनलाइन में नहीं होती सर सर मेरे को भी आपसे मिलने के लिए बड़ी इच्छा होती है और हम भी तरसते सर आपसे मिलने के लिए रियली really कह रहा हूं दिल से बोल रहा हूं आपको ओके पॉइंट मेरा आपसे ये है सर कि अब मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया सर आप अगर मिलते रहोगे तो जिंदा रहेंगे लोग कहते हैं ना जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे मैं कहता हूं सर मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे तो यार हम मिलते रहेंगे यार मैं तो बहुत उम्मीद से बैठा हूँ फटाफट ये सर चीजें सब नॉर्मल हो जाए सिचुएशन सारी और हम सब मिलते रहे ओके okay, सर पार्टी करें माहौल बनाए एंड सर अभी पॉइंट पे आ जाए अब हम पॉइंट मेरा आपसे ये है कि सर मैंने गुड्स इंपोर्ट किया अपनी फैक्ट्री में लेके आया जिसको मैंने प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस का परमिशन मिल गया है सर मैंने क्या किया कोई कस्टम पे नहीं किया उससे आउटपुट गुड्स मैन्युफैक्चर किया रबर इंपोर्ट किया टायर मैन्युफैक्चर किया और टायर वहीं से क्या कर दिया एक्सपोर्ट सर कोई कस्टम पे नहीं किया कोई ड्रॉबैक नहीं पे करने कोई ड्रॉबैक रिफंड के चक्कर में नहीं फैसने का भारत माता की जय बहुत ईजी काम हो गया तो ऐसे केस में मैन्युफैक्चरिंग परमिशन मिल जाती सर क्लियर या फिर मैं हंड्रेड परसेंट ईयू हूँ या इसी पी अच्छा इनकी फुल फॉर्म मैंने यहां दे रखी सर एब्रीवेशन हंड्रेड परसेंट ईयू मतलब हंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ई एस टीपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट STPU, मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट ओके सर अगर मैं ये यूनिट हूं फिर मेरे को मैन्युफैक्चरिंग का परमिशन मिला हुआ है अंडर सेक्शन फाइव और ऐसे वेयर हाउस में अगर मैंने गुड्स इंपोर्ट करके वहां पे स्टोर करवाई है तो ध्यान देना वहां पे अनलिमिटेड टाइम लिमिट के लिए परमिशन अलाउड है फॉर वेयर हाउसिंग इज नो टाइम लिमिट और वेयर हाउसिंग ऑफ सच गुड्स इन सच वेयर हाउस देखिए अगर कैपिटल गुड्स है तो टिल दियर क्लियरेंस फ्रॉम दी वेयर हाउस मतलब जिंदगी भर आपकी जात जितनी इच्छा हो जितनी ताकत हो रख लेना हमें कोई दिक्कत नहीं है जब तक क्लियर नहीं करता तब तक चलेगा सर अदर गुड्स अगर है, टन और क्लियरेंस फ्रॉम ज़िंदगी भर तक या तो कंज्यूम कर लो या उनको clearance करा दो, तब तक। हमें कोई time limit fix नहीं करी वेयर के लिए एक साल का टाइम है सर। बात करते आगे goods intended for use by others, तो ऐसे केस में वन ईयर अच्छा वन ईयर कब से दिल थाम के क्या जिस दिन हमने फिजिकली गुड्स को वेयर हाउस कराया ना बेटा उससे नहीं <laughs> सर ध्यान देना अभी अभी मैंने दो मिनट पहले आपसे एक बात कही थी कि ये जिस दिन आपको परमिशन मिला फॉर वेयर हाउसिंग मेड एन ऑर्डर परमिटिंग रिमूव ऑफ द गुड्स फ्रॉम कस्टम स्टेशन फॉर वेयर हाउसिंग अंडर सेक्शन नंबर सब सेक्शन वन जिस दिन ऑर्डर मिला था वेर हाउसिंग वहां से एक साल का टाइम शुरू हो जाएगा सर हो सकता है वहां से निकाल के आपको वेयरहाउस में रखने में चार दिन लग गए हमें कोई दिक्कत नहीं सर जिस दिन परमिशन मिला थी वहां से एक साल क्लियर पर कमिश्नर को अगर लगता है कि इसको फर्दर एक्सटेंशन देना चाहिए तो ऑन एन एप्लीकेशन बाय दी इंपोर्टर सर फर्दर अप टू वन ईयर एट अ टाइम बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर एक्सटेंशन मिल सकता है सर कोई दिक्कत नहीं सर फर्दर एक्सटेंशन अलाउ कर देगा कमिश्नर क्लियर अच्छा अगर गुड्स ऑफ वॉलिटाइल नेचर है या गुड्स ऐसी जिसका शेल्फ लाइफ बहुत कम है खराब हो जाएगी सर तो कमिश्नर चाहे तो इसको रिड्यूस भी कर सकता है रिडक्शन बाय प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर वेयर सच गुड्स आर लाइकली टू बी डेटर पीरियड एज ही फिट क्लियर तो वो कम भी कर सकता है ओके okay, अब दिल थाम के सुनना ये बड़ा अच्छा पॉइंट आ रहा है अब तक तो फिर भी ठीक था बहुत ही शानदार पॉइंट पता है नो no डाउट अच्छा मैं बात कर रहा हूं अदर वेयर हाउस के लिए देख लीजिए सर एरो अदर वेयर हाउस आ रहा है सर ये टॉपिक तो खत्म हो चुका है इनके लिए अनलिमिटेड टाइम अलाउड है ओके okay, नॉर्मल लोगों के लिए वेयर हाउसिंग पीरियड इज ओनली वन ईयर पर वन ईयर में भी सर पता है क्या बोल दिया सिंस गवर्नमेंट की रेवेन्यू अभी भी गवर्नमेंट को नहीं मिली है गवर्नमेंट को अब तक कस्टम का मोड उनका नहीं मिला क्योंकि आपने गुड्स को सर कस्टम स्टेशन से कहा ले गए कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में ले गए अब तक आपने कस्टम पे नहीं कि आपने किया आपने केवल बॉन्ड साइन किया अंडरटेकिंग दी हुई पैसा थोड़ी दिया गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट बोल दिया भाई नो डाउट परमिटेड पीरियड फॉर वेर हाउसिंग इज वन ईयर प्लस एक्सटेंशन इफ एनी पर फिर भी 90 डेज के अंदर अंदर अगर आपने गुड्स को रिमूव नहीं किया फॉर होम कंजम्पशन या फिर एक्सपोर्ट नब्बे दिन के अंदर जिस दिन आपको परमिशन थी फॉर वेयर पास फॉर होम कंजम्पशन और इधर फॉर होम कंजम्पशन और फॉर एक्सपोर्ट तो सर ऐसे केस में नाइनटी फर्स्ट डेज है जिस दिन आप कस्टम ड्यूटी का अमाउंट पे करेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से अमाउंट पर जितना अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल आएगा जितना अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल आएगा अच्छा कस्टम ड्यूटी कब पे करेंगे जब आप गुड्स को रिमूव करेंगे फॉर होम कंजुमशन तब उस टाइम पे कस्टम ड्यूटी यू विल ऑल्सो है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट पर गवर्नमेंट का कहना है साहब आप वेर हाउस में रखो ना हमें क्या दिक्कत है पर सर

मैंने बना रखा छोटा सा चार्ट ऑर्डर परमिटिंग वेयर हाउसिंग है ना बच्चों से काउंटिंग चालू होगी क्लियर वहां से नब्बे प्लस एक्सटेंशन दिस पीपी मतलब परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग हाउसिंग क्लियर वन ईयर प्लस एक्सटेंशन नो डाउट परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग इज वन ईयर प्लस एक्सटेंशन फिर भी

सीबीएसई के पास पावर है कि वो चाहे तो इस इंटरेस्ट के अमाउंट को कम कर सकता है वेव कर कर सकता है, कर सकता है, वो है, वो एक पावर इंटरेस्ट पेबल अंडर दशन इन रेस्पेक्ट ऑफ दुड्स बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड ऑफ गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ नो इंटरेस्ट बी पेबल दे में स्पेसीफाई द्लास ऑफ नहीं देना सर तो वो पावर दे रहेगा ठीक है सर कोई खास बात नहीं एग्जाम्स के लिए क्लियर ओके okay. अब सर ध्यान से सुनना मेरी बात को मैंने अभी अभी आपको तीन चार बार रिपीट किया कि इंटरेस्ट पेबल होगा किस पर अमाउंट ऑफ कस्टम्यूटी पेबल पर अमाउंट ऑफ कस्टम्यूटी पेबल एट दिमूवल अब मान लो आपने सर नाइनटी डेज के बाद रिमूव किया पर आपने क्या कर दिया गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया फॉर फॉरवर्ड एक्सपोर्ट अब आप मुझे बताओ उन गुड्स को अगर आपने मान लो विद इन वन ईयर आप आ गए छह महीने बाद आप आए जिस दिन आपको ऑर्डर मिला फॉर आपने कराया और उसके बाद आप छह महीने बाद आए फॉर रिमूवल फॉर एक्सपोर्ट अब आप मुझे बताओ जब आप एक्सपोर्ट करो तो कस्टम पे करना है क्या नहीं अब कस्टम पे ही नहीं करना तो कस्टम का अमाउंट कितना है जीरो जीरो का फिफ्टीन परसेंट जीरो डबल जीरो जितने जीरो लगा देना लगा देना सर मतलब इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कस्टमी पेबल इफ कस्टमी पेबल इज इज नो पॉइंटिंग ड्यूटी ऑन वेर गुड्स अगर कोई कस्टम पे ही नहीं करना है मतलब केस अगर गुड्स को रिमूव किया फॉर होम कंजम्पन और उस टाइम पे कस्टम एग्जम था गुड्स पे अब उन कस्टम पे कोई ही नहीं करना अब कस्टम पे नहीं करना तो उसका इंटरेस्ट कितना है जीरो क्लियर डन सर अच्छा यहां पे देखिए बेटा जो मैंने नाइनटी डेज वाली बात करी थी आपसे वो केवल और केवल किसके लिए अदर वेर हाउस के लिए के लिए मालिक अदर वेयर हाउस के लिए मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था इस वाले वेर हाउस के अंदर कोई गुड्स रखे अगर आपने तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए अलाउड है और ऐसे केस में जब इनको रिमूव कराऊंगा तब तो रिमूव करेंगे कस्टम पे कर देंगे अगर कस्टम लगना है तो पर यहाँ पे इंटरेस्ट की बात नहीं आती है ये मैंने लिखा भी नोट के लिए आपको ध्यान रहे इसलिए नो इंटरेस्ट इज पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स इंटेंडेड फॉर यूज इन एनी हंड्रेड परसेंट ईयू और ई एस टी पी यू और एस टीपी और एनी वेर ऑस वेर इन मैनुफेक्चरिंग और अदर ऑपरेशन परमिटेड अंडर सेक्शन नंबर सिक्स फाइव क्लियर डन सर एक बड़ा ही शानदार जजमेंट है सर यहाँ पे ये दोनों पॉइंट बहुत ही मस्त पॉइंट है सर सर मैं तुम्हें समझाता हूँ बड़ा इजी पॉइंट है सर और उसके बेस पे क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में ओके okay. सरकार मेरा क्वेश्चन आपसे ये है अब आपके दिमाग में एक पॉइंट और चल रहा होगा सर आपके दिमाग में एक पॉइंट और चल रहा होगा सर परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग इज वन ईयर प्लस एक्सटेंशन मिल जाए तो वो भी और 90 डेज के अंदर अगर आपने रिमूव नहीं किया तो इंटरेस्ट चार्ज होगा तो मतलब इंडायरेक्टली गवर्नमेंट चाहती है कि 90 दिन में रिमूव कर दो तो साहब नहीं तो ब्याज दे देना हमको आप हमारा रेवेन्यू डेफर हो रहा तो हमको इंटरेस्ट चाहिए ठीक है तो आप बोलेंगे सर वो वन ईयर का क्या रिलेवेंस है अगर आपने परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग जो वन ईयर प्लस एक्सटेंशन था उसके अंदर अंदर गुड्स को रिमूव नहीं किया उसके बाद अगर आप आते हो तो पहली बात तो विल बी प्रोविजन पेनल्टी और फाइन आपको पे करने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा सेकेंड बात दिल थाम के सुनना मेरी बात को अगर आपने विद इन टाइम लिमिट जो अलाउ की है फॉर वेयर हाउसिंग परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग वन ईयर प्लस एक्सटेंशन उस एक साल के अंदर अंदर अगर आपने गुड्स को रिमूव नहीं किया इधर फॉर एक्सपोर्ट और फॉर होम कंजन तो ऐसे केस में जो लास्ट डे ऑफ परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग होता है उस दिन ये मान लिया जाता है कि आपने गुड्स को रिमूव कर दिया अंडर वायलेशन ये मान लिया जाता है कि आपने गुड्स को रिमूव कर दिया है फॉर होम कंजम्पन अंडर वायलेशन डिम्ड रिमूवल माना जाता है सब क्या माना जाता है डिम्ड रिमूवल सुनना बच्चों ध्यान से बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है सर ये और डिम्ड रिमूवल अगर हो गया तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या आप सुन लेना बेटा ध्यान से हमने जब वेरोसिंग चैप्टर शुरू किया था तब बात करी थी कि जब आप वेरो से रिमूव करते हो उस टाइम पर जो रेट ऑफ ड्यूटी होता है उस रेट से कस्टम पे करना पड़ता मालिक आए ना जिस दिन आपने सर रिमूव किया है फॉर वट होम कंजम्शन जिस दिन हमने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन किया था रीअसेसमेंट होता है बट रीअसेसमेंट इज डन ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यू मतलब रेट ऑफ ड्यूटी तो वापस निकलेगी ना सर तो क्वेश्चन मेरा ये आता है जो इस जजमेंट में आया कि सर अगर आपने विद इन द परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग अगर आपने गुड्स को रिमूव नहीं किया तो ऐसे केस में मान लिया जाता है जो लास्ट डे ऑफ

स बी सी शुगर लिमिटेड मान लो शक्कर मान लो आपने इंपोर्ट करी और सर शक्कर पर रेट ऑफ कस्टम है मान लो टेन परसेंट इतना सर टेन परसेंट लास्ट डे ऑफ परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग क्या है वो है मान लो फोर्टीन फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी टू समझ हो ना सर ये लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग का लास्ट डे था बेटा पर इस दिन तो आप ऑक्य थे कहीं सर जिंदगी में मजा आ रहा है सर माहौल बन रहा है सर क्लियर अब सर आपने इन गुड्स को आपको होश ही नहीं था जिंदगी जा रही है सर बस चल रही है जी रहे सर, क्या मैं आपको वो लोग बोले सर हम सी कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता ठीक है सास भी कभी बहुत ही ओके सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर ये लास्ट डे ऑफ पर टेन आप आए कब 21 फरवरी 2022 को और मान लो उस दिन गवर्नमेंट ने तो फरवरी को गवर्नमेंट ने उस गुड्स पर कस्टम क्या कर दिया एग्जाम कर दिया या सर रेट बढ़ा दी कम कर दी कुछ भी कर दी कोई कंसन नहीं है सर टेन परसेंट ही लगेगा भले रेट बढ़ गई हो कम हो गई कंसन नहीं है ओके डन एग्जामेशन दे दिया नहीं मिलेगा टेन लगेगा सर ओके सर अच्छा परमिटेड पीरियड ऑफ वेर के अंदर अंदर आपने पहले रिमूव कर दिया होता तो जिस दिन रिमूव करोगे फॉर होम कंज्पन जिस दिन एक्सपॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजुम्स फाइल उस दिन की रेट लेते हैं पर परमिटेड परमिटेड पीरियड के अंदर अंदर नहीं आया तो जो लास्ट डे ऑफ परमिटेड पीरियड होगा उस दिन की रेट जो की वो लगेगी सर ये भी पढ़ लीजिए सर गुड्स आप आर नॉट रिमूव फ्रॉम द वेयर हाउस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द परमिटेड पीरियड ऑफ फॉर वेयर हाउसिंग एक्सटेंशन आर डीम्ड टू बी इम प्रोपरली इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर टू द रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल इन सच केस विल बी द रेट इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ डीम्ड रिमूवल

विथ रेफरेंस टू कस्टम्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी टू अंडर सेक्शन नंबर ऑफ द कस्टम्स एक्ट इज पेबल इंटरेस्ट पेबल है पहली बात तो ये इंटरेस्ट की बात कब आती है अदर इंपोर्टर के केस में दी अदर इंपोर्टर सर मतलब नॉर्मल वेर हो सर ये हंड्रेड परसेंट यू वगैरह नहीं है ओके okay. सेकेंड बात कब आती है सर नाइनटी डेज की बीओं इसने रखा हो तो नाइनटी डेज की बीओन तो है सर क्योंकि ट्वेल्थ तो अप्रैल और इधर फिफ्टीन अगस्त तो पर सर इंटरेस्ट की बात आएगी तो किस पे आएगी पहले तो ये देखो ना सर

कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट देख लेते हैं। हम कमेंट कर लेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है या आई से ने क्वेश्चन दिया था सर वो बता रहा हूँ मैं आपको गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स मतलब नॉर्मल गुड्स सर इंटेंडेड फॉर यूज इन एनी कैन बी वेराउस्ट ओनली टिल द एक्सपायरी ऑफ द फाइव ईयर्स क्या केवल पांच साल तक ही वेराउस माला होता है हंड्रेड परसेंट के केस में आंसर इज नो दिस इज इनवैलिड सर टू थाउजेंड सिक्सटीन से पहले जब उस के सेक्शन में अमेंडमेंट हुए तो उससे पहले कुछ टाइम हुआ करती थी, थी या पेपर वो अब नहीं है अनलिमिटेड टाइम तक अलाउड है सर है सर टिल देयर देयर कंजम्पशन और अलाउड है ओके क्वेश्चन इंटरेस्ट फ्री पीरियड ऑफ नाइन डेज अंडर सेक्शन नंबर इन ऑफ गुड्स नॉट इंटेंडेड फॉर बींग यूज इन हंड्रेड परसेंट यू एट्रा ठीक मतलब नॉर्मल वेर हाउस में रखा है कमेंसेज फ्रॉम द डेट ऑन विच इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स इज परमिटेड भाई नाइन्टी डेज कब से शुरू होते हैं जिस दिन परमिशन फॉर वेयर हाउसिंग मिली है ऑर्डर फॉर वेर हाउसिंग मिलाशन सिक्स इन टू वन बिलो एसिंग का फाइल करी कर कंसर्न नहीं है इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है Invalid है इनवैलिड क्लियर डन अब आ रहा होगा मजा आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा सर आइए इलेक्शन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दिस वॉज क्वेश्चन इन सी ए फाइनल नवंबर सेवनटीन ध्यान देखिए बड़ा सर सी नवंबर सेवनटीन में क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में ओके okay. सर बहुत ईजी क्वेश्चन आता था वेर के तो हाउसिंग चैप्टर आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस किया तो बहुत चैप्टर है सर टफ नहीं और अच्छा चैप्टर है सर इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर एंड गुड्स वर क्लियर फ्रॉम द पोर्ट फॉर वेर हाउसिंग ओके असबल वैल्यू ऑन दैट डेट वॉज यूएस डॉलर सिक्सटी थाउजेंड ठीक है मालिक

कितना ड्यूटी और इंटरेस्ट पे करना है साहब ओके इंफॉर्मेशन दे रखी सर आपको रेट ऑफ एक्सचेंज इस पर यू एस डॉलर एज नोटिफाइड बाई सी बी आई सी रुपये सिक्सटी फाइव था इस दिन अलग अलग डेट पर अलग अलग रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखा है रेट ऑफ बेसिक कस्टम कस्टमिटी एडर मतलब रेट ऑफ ड्यूटी वैल्यू पे लगेगी साहब ट्वेल्व टेन एट ठीक है सर एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम अंडर लेवन थ्री नाइन ऑफ द दस्टमर इफेक्ट आर एग्जम्प्ट मतलब थ्री सेवन थ्री नाइन का आपको दिमाग नहीं लगाना है ओके okay, मालिक ठीक है अब सर सबसे पहली बात असेसबल वैल्यू कितना है मालिक सिक्सटी थाउजेंड अब सर रेट ऑफ एक्सचेंज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं रेट ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर फोर्टीन में लिखा है जिस दिन हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करी आपने उस डेट से रिलेवेंट होता है रेट ऑफ एक्सचेंज जो सीबीआईसी नोटिफाई करता है क्लियर सर रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाई सीबीआईसी इज रिलेवेंट जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल किया भले वो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेर हाउसिंग नहीं आया एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर मिला कोई कंसर्न नहीं है बिल ऑफ एंट्री का फाइल करी इन इंटू बोन बिल ऑफ एंट्री वॉज प्रेजेंटेड ऑन ऑफ एप्रिल टू थाउजेंड से पंद्रह अप्रैल को रेट ऑफ ड्यूटी रिलेट रेट ऑफ एक्सचेंज एक्सचेंज नोटिफाइड सीबीआईसी थ अप्रैल को 65 तो 65 को लॉक कर दिया जाए माहौल के साथ सर तो 65 विल बी द रेट ऑफ एक्सचेंज बात खत्म क्लियर अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ ड्यूटी कब कौन से लगेगी सर रेट ऑफ ड्यूटी जिस दिन आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंज्यूमशन फाइल करते हो एज पर सेक्शन में फिफ्टीन वन बी वो रेट रिलेवेंट होती है पर परमिटेड पीरियड ऑफ पीरियडिंग के अंदर अंदर अगर आपने गुड्स को रिमूव नहीं किया तो लास्ट डे ऑफ परमिटेड पीरियड ऑफ परमिटेडिंग होगा जो बाईस हो अगस्त था डेट इज रिलेवेंट फॉर दर्पज ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा कितना टेन परसेंट क्लियर कोई मतलब नहीं है तो टेन परसेंट बी रेट ऑफ ड्यूटी रेट ऑफ एक्सचेंज सिक्सटी फाइव आ गया सर देखिए आपका रेट ऑफ एक्सचेंज तो डॉलर सिक्सटी थाउजेंड को कन्वर्ट किया रूपीज आई एनआर में सर क्लियर कस्टमडी का रेट आ गया टेन परसेंट हमने देख लिया सर, कैसा है वो सर सोशल वेलफेयर सर चार्ज आपको लगा नहीं है हमेशा ड्यूटी के अमाउंट का उंड like का चार्ज टोट कस्टम्योर लेकिन थ्री इन्होंने बोल दिया सर दिमाग लगा नहीं फिर आपको अब बात करते किसकी इंटरेस्ट की सर ब्याज कितना लगेगा मालिक तो सर नाइनटी फर्स्ट डे नाइनटी फर्स्ट डे से लगेगा इंटरेस्ट जब आपने कस्टम पे किया तब तक का किस अमाउंट पर लगेगा ये अमाउंट ऑफ कस्टम्यूटी पेबल

सबसे पहली बात ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल से हम अगर काउंट करते हैं तो सर नाइन्टी डेज काउंट करिए पहले आप तो अप्रैल के रिलेवन अप्रैल के बचे हुए दिन कितने सर आठ दिन ट्वेंटी सेकेंड को काउंट मत करिए सर तो एट डेज अप्रैल के गए है ना देन अप्रैल के बाद आएगा मई थर्टी वन डेज मई के बाद आएगा क्या जून है ना सर अब बचे हुए दिन कितने सर नाइन्टी डेज में से रिम, रिम, रिमेनिंग डेट कितने हैं सर ऐसे काउंट करिएगा सर थर्टी प्लस थर्टी वन ऑलरेडी हो गए कितने 61. 61 plus 9, 69. ये डेज ऑलरेडी हो गए तो रिमेनिंग डेज कितने बचे सर आउट ऑफ नाइन्टी रिमेनिंग डेज बचे बचे कितने ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन को अगर हम ऐड कर देंगे तो सर हो जाएगा कितना नाइन्टी डेज तो सर इट मीनस ये हो गए अप्रैल मई जून जुलाई ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई इज द लास्ट परमिटेड डे ऑफ सिंह तो ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई से क्या लगेगा इंटरेस्ट तो ट्वेंटी सेकेंड जुलाई टू इसने कब रिमूव किया फॉर होम कंजन कस्टम कब पे किया बेटा फिफ्टी ऑफ सेप्टेंबर को इसने क्लियर कराया गुड्स को और कस्टम पे किया फिफ्टीन ऑफ सेप्टेंबर काउंट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ डेज है अच्छा इसमें ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई को लास्ट डे था परमिटेड पीरियड ऑफ तो बाईस जुलाई से इंटरेस्ट लगेगा तो ट्वेंटी सेकंड भी काउंट होगा सब तो सर जुलाई में कितने दिन होते है? सर थर्टी वन डेज थर्टी वन में से ट्वेंटी वन गए तो कितने बचे बेटा टेन डेज ऑफ जुलाई ट्वेंटी फर्स्ट वॉज द लास्ट डेट तो ट्वेंटी सेकंड भी से इंटर चालू हो जाएगा ट्वेंटी सेकंड से थर्टी वन दस दिन हो गए जुलाई के देन अगस्त के हो गए कितने थर्टी वन डेज देन सेप्टेबर के फिफ्टीन सेप्टेंबर वो पे किया फिफ्टीन सेप्टेंबर भी काउंट करेंगे हम कितने नंबर ऑफ डेज हो गए तो सर देखिए आप लिखा है टेन डेज ऑफ जुलाई थर्टी डेज ऑफ ऑगस्ट फिफ्टी डेज ऑफ से हो गया कितना

दो सेक्शन और है पहले हम ये एक बात और कर लेते हैं राइट्स राइट डूरिंग की क्लियर उसके बाद मतलब ये ये टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ लेंगे कोई बात नहीं ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं माहौल के साथ पढ़ना अपने को राइट्स ड्यूरिंग ध्यान देना बेटा सेक्शन नंबर सिक्सटी टू कंट्रोल ऑवर वेरास गुड्स बाय कस्टम ऑफिसर ओमिटेड ओमिटेड मतलब डिलीट हो गया था फाइनेंस एक्ट 2016 से विद इफेक्ट फ्रॉम 14th ऑफ मई 2016 मैंने बोला था ना सर प्राइवेटाइजेशन हो गया सर

सेक्शन नंबर सिक्सटी थ्री रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ रेंट एंड वेर हाउसिंग इज ऑमिटेड इन व्यू ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्विसेज एंड फ्री मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स इंक्लूडिंग दोज फैसिलिटीज इन दी पब्लिक सेक्टर मार्केट के हिसाब से रेंट निकालेंगे और लाइसेंस जो है वो अपना मार्केट रेट के हिसाब से रेंट चार्ज करेगा उससे कस्टम वालों को कोई मतलब नहीं है ओके डन सेक्शनबर सिक्सटी फोर ऑनर्स राइट टू डील विद द वेयरहाउस गुड्स एक बार दो तीन मां, दो मांग का क्वेश्चन आया था वट आर द राइट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स ओनर ऑफ गुड्स ड्यूरिंग वेर हाउसिंग इतना सा क्वेश्चन है चार पॉइंट लिखे मार्क्स पढ़िए दी ओनर ऑफ एनी वेर हाउस गुड्स में आफ्टर वेर हाउसिंग सेम द गुड्स भाई उसने गुड्स वेर हाउस में तो वो इंस्पेक्ट करने आ सकता है कोई दिक्कत नहीं डील विथ दियर कंटेनर इन सच मैनर एज मेंसेसरी टू प्रिवेंट दी लॉस और डिटोरेशन और डेमेज टू दी गुड्स मान लो इसको कंटेनर्स चेंज करने वो कर सकता है अगर लगता है गुड्स खराब हो रहा इसकर, इसकर, इसकर कर सकता है सर

अच्छा आपने मान लो दो हजार यूनिट ऑफ गुड्स इंपोर्ट किया अभी आपको क्लियर करना केवल हंड्रेड यूनिट्स तो आप हंड्रेड यूनिट्स का एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम करो ड्यूटी पे करो उन गुड्स पे ले जाओ जरूरी नहीं कि सारे गुड्स एक साथ रिमूव करें आप क्लियर आप कर सकते हो तो सिंपल सैपल कस्टम पे करो एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंज्यूशन फाइल करो ड्यूटी पे करो ले आओ हमें क्या दिक्कत है सर क्लियर फ्री का सिस्टम इन्होंने हटा दिया सर ओके डन सर अब हम अगले सेशन से बात शुरू करेंगे

हिम्मत के साथ ऑल द बेस्ट माहौल के साथ हम सब आपके साथ है भगवान आपके साथ है और बहुत बेस्ट आपके साथ होने वाला है ऑल द बेस्ट माहौल थैंक यू